अगर यू में किसी एक एक इंसान को हम चूज़ करें जिसको हमेशा न्यूज़ में रहना आता है तो वो है कॉनर मगरेगर यू एफ़ सी टू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेना वाइट से जब पूछा गया कि uh, उनके क्या थाट्स हैं कि कॉनर ने उनके मैसेज लीक कर दिए सो so, ये पूरा uh, जो न्यूज़ है वो ऐसे बनती है कि डेना कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कॉनर को कुछ फाइट्स ऑफर की गई थी और कॉर्नर ने वो फाइट एक्सेप्ट नहीं की कॉर्नर ये मैसेज हैं जो कि प्राइवेट मैसेज हैं डेना वैड के उनके बीच में लीक कर देते हैं थ्रू हीस ट्विटर अकाउंट की देखो मैंने तो, तो कहा था कि आई एम रेडी फॉर ए फाइट बट फाइट कभी मुझे ऑफर की नहीं गई अब ये जो पूरी खिच चल रही है कि वो कह रहे हैं कि फाइट ऑफर की है वो कह रहे हैं फाइट ऑफर नहीं की इस चक्कर में हुआ क्या कि कॉर्नर को लगा कि ये एक अच्छा मौका है अपने आप को आगे बढ़ाने का तो कॉनर में ट्वीट करते हैं डस्टिन पोरियो के साथ कि डस्टिन पोरियो के साथ वो एक चैरिटी मैच खेलेंगे सो डस्टिन पोरियो की एक चैरिटी है उनकी खुद की एक एन है चैरिटी है और जिसका पैसा वो गरीबों में बांटते हैं तो कॉनर ने कहा कि मैं लड़ूंगा जस्टिन पोरियो के अगेंस्ट एक चैरिटी मैच में और उस मैच का कोई नहीं हो कोई लेना देना नहीं होगा यू के साथ ऐसा लीगली पॉसिबल नहीं है बिकॉज क्योंकि कॉर्नर में का कॉन्ट्रैक्ट है यू के साथ तो वो कोई भी तरीके का मैच नहीं लड़ सकते तो जब इसके बारे में पूछा गया डीन डीना वाइट से तो उनको उन्होंने कहा कि ये एक मैन टू मैन एक कोड होता है आ, कि अगर मैं तुम्हें कुछ चीज़ मैसेज करता हूँ तुम्हारे पर्सनल मैसेंजर पे तो वो हमारे बीच में रहेगी और वो जो कोड है वो कॉलर ने तोड़ दिया आ, तो बह, बहुत ही मतलब इस पर न्यूज़ चल रही थी बहुत ही इसमें हाइप हो रहा था फाइनली आज ट्वीट आता है डेना वाइट का कि डेन डीना वाइट बेसिकली कन्फर्म करते हैं कि उन्होंने ये ऑफिशियली ऑफिशियलीफ ऑफर की है कॉनर को और डस्टिन को कि आने वाले कुछ दिनों में मे बी शायद साल के एंड में मे बी नेक्स्ट ईयर शायद जनवरी में तो अभी फायर सिर्फ ऑफर की गई है ये दिखाता है कि कॉर्नर की कितनी पावर है कितना कंट्रोल है यूसी के ऊपर वो इतने बड़े स्टार हैं कि हालांकि मैं मानता हूँ कि डेना वर्ड के पास भी पावर है लेकिन कॉर्नर के पास इतनी फैन फॉलोइंग है कि वो वो चाहते हैं कभी कभी तो वो वो खेल लेते हैं लोगों के साथ और मीडिया उनके पास इतना पावरफुल टूल है कि वैन वो कुछ चीज़ चीज़ को ट्वीट करते हैं तो उस पर लोग रिएक्शन करते हैं कॉर्नर हमेशा वेट करते हैं एक बड़े इवेंट का और उसके आसपास वो ट्वीट करते हैं तो इट वाज बहुत ही ये बहुत ही अजीब सा एक सिचुएशन थी पर लग रहा है कि शायद इनके आपस में बात हुई है और जो भी उनके आ, मसले थे उसको उन्होंने सुलझा लिया है तो फाइनली अब जो मैच होगा वो जस्ट ऑफर किया गया है डिना वाइट ने, ने कॉर्नर को और डस्टिन को अगर ये पूरा हम न्यूज़ को अगर थोड़ा हम एक अलग तरीके से देखें कॉनर मैग्रेगर अभी भी अपने केरियर के प्राइम पर हैं वो लास्ट ईयर जनवरी में आए थे इस साल जनवरी में आए थे आ, जब उनकी आ, फाइट हुई थी वर्सेस डोनाल्ड सरोनी अब उसके बाद में उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि वो इस साल वो तीन तीन बार लड़े लेकिन बिकॉज ये पेंडेमिक आई और फिर यू नो जैसे जैसे मतलब चीज़ आगे बढ़ी ऐसा हो नहीं पाया तो कॉनर मैग्रेगर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं उन्हें फ़ाइट चाहिए और वो वो कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से कि फ़ाइट मिल जाए कभी वो कहते हैं कि ही विल फ़ाइट मैनी पैकेो जो कि बहुत ही वर्ल्ड फेमस बॉक्सर हैं कभी वो कहते हैं कि ही विल फाइट डिएगो सेंचिसस डिएगो सेंचस एक हैं वो डिएगो सेंचस इज़ द वेरी वेरी वेटरन फाइटर ऑफ यूएफसी वो द अल्टीमेट फाइटर फर्स्ट के मेम्बर हैं और अब तक वो खेल रहे हैं कोई सेंस नहीं बनता uh, कि कॉर्नर फाइट करें डिएगो सेंचस से जो कि रैंक नंबर फिफ्टीन तक भी नहीं आते इज़ आउट ऑफ द रैंकिंग तो बट ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड ही वॉन्ट्स टू फाइट चाहे वो कोई भी हो चाहे वो मेनी पैके हो चाहे वो डिएगो सेंचेज हो चाहे वो डस्टिन पोलियो का चैरिटी मैच हो ही वांट्स टू फाइट और वो बार बार ये मैसेज हैं वो दे रहे हैं डना वाइट को कि आई एम रेडी टू फाइट मुझे फ़ाइट दीजिए और मैं तैयार हूँ डेना वाइट के पास हालाँकि थोड़ा सा उनकी मजबूरी ये है कि जब भी कॉर्नर मैच कॉर्नर में क्रिकेट मैच लड़ते हैं उनकी फ़ीस बहुत हाई है जो भी आप फीस देखते हैं जो न्यूज़ में आती है जो कि प्रेस के जो कि पब्लिक की जाती है कि एक मैच का उन्हें मिला वन मिलियन डॉलर टू मिलियन डॉलर वो सिर्फ एक डिस्क्लोज फी है वो एक वो टोटल अमाउंट नहीं है टोटल अमाउंट उससे कम से कम दस बीस गुना ज़्यादा होती है और वो हमें कभी कभी पता नहीं चलता मतलब नॉट ऑफिशियली बट जो रफली जो वो होता है एस्टिमेट कि लास्ट जो मैच हुआ था वर्सेज़ uh, डोनाल्ड सरोनी लास्ट जनवरी में कॉनम ग्रेगर अर्न थर्टी मिलियन डॉलर्स लेकिन इफ़ यू सी द डिस्क्लोज अमाउंट वो थी हार्डली टू मिलियन डॉलर पेंडेमिक के थ्रू अगर वो ये इवेंट करवाते हैं पेंडमिक के अंदर तो उसमें ये है कि जो टोटल गेट होगा गेट यानी कि जो लोग इवेंट देखने आते हैं उनकी जो फीस होती है जो कॉस्ट होती है वो नहीं मिलेगी बहुत मुश्किल है डेना वर्ट के लिए कॉर्न वगैरह को उनकी यूजल फ़ी देना क्योंकि उस इवेंट से जो भी वो पैसा कमाएंगे वो कम होगा हालांकि अगर ये मैच सिर्फ आ, ऑनलाइन परचेज़ के लिए भी होता है ऑन पेपर व्यू लोग खरीदेंगे बहुत ज़्यादा ख़रीदेंगे बट मुझे नहीं लग लगता कि वो कॉनर मगरी को वही फीस दे सकते हैं जो कि वो नॉर्मली वो देते हैं तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा शायद एक आ, आ, डाउट है आ, जो मुझे लग लगता है कि ये रीज़न है कि डिना वाइट खुल के आ, कुछ मैच नहीं, नहीं दे, दे पा रहे हैं जब जब कॉनर ने कहा कि ही इज़ रिटायर्ड ऑलमोस्ट दो तीन महीने पहले उस टाइम में यही रीज़न था कि कॉर्नर के पास फाइट की जोर उनको फाइट चाहिए थी और डेना वाइट के पास कोई फ़ाइट है नहीं सो so, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन चल रही है दोस्तों काफ़ी दिनों से बट मैं बहुत खुश हूँ कि अब फाइनली डेना वाइट ने ऑफिशियली एक फाइट ऑफर की है अब यहाँ से अगर कोई पीछे हटता है फॉर एग्जाम्पल अगर अब कॉर्नर बोलते हैं कि नहीं मुझे इतने पैसे चाहिए कुछ हफ्ते पहले डस्टिन पोरवास का पास जो मैचा होने वाला था टोनी फर्गसन के साथ लेकिन डस्टिन डस्टिन ने कहा कि ये मैं मैच नहीं लड़ूंगा अगर मुझे इतनी फीस नहीं दोगे जो अमाउंट थी वो पता नहीं क्या अमाउंट थी बट वो अमाउंट थी वो बहुत ज़्यादा थी और उसकी वजह से वो फ़ाइट नहीं हो पाई अब क्या हो सकता है वो ये है कि अगर अब ये मैच नहीं होगा तो इसमें गलती किसकी है डेना वैट टीम ने काम कर दिया उन्होंने फाइट ऑफर कर दी कॉर्नर को डस्टिन को अब डस्टिन को जो अपना प्राइज़ चाहिए वो उन्हें क्या मिलेगा या जो उन्होंने प्राइस पहले मांगा था अपने पिछले मैच के लिए वर्सेस टोनी फगरसन क्या उससे क्या वो सेम प्राइस में रहते हैं या उससे आगे बढ़ते हैं कॉन मगरे क्या वो अग्री करेंगे वॉट अमाउंट जो भी उनको चाहिए क्या उसे थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि जो सेम रेवेन्यू जनरेट होगा इस इवेंट से जो कि होता है नॉर्मल टाइम्स में जबकि लोग आते हैं पब्लिक आती है और इट्स ए वर्ल्ड वाइड इवेंट तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चलने वाला है दोस्तों बट फाइनली uh, कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही है तो I will keep following this news.